गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति। और गाइस, आप लोगों को मेरे लास्ट जो फ्लिपकार्ट की जो मैंने अपने खुद के पसंद की ज्वेलरी हॉल की थी, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इस बार जो ज्वेलरी हॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। लाइक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के, बुटीक डिज़ाइन के, और काफ़ी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे ज्वेलरीज हैं। लाइक सारे ही ईयरिंग्स हैं, ओनली वन आपको सिल्वर का सेट मिल जाएगा, स्टेटमेंट नेकलेस, अदरवाइज सारे ईयरिंग्स हैं। और ये ईयरिंग्स ऐसे हैं जिनके साथ आपको सेट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब गेम चेंजर बोलते हैं ना, गेम चेंजर नहीं, लुक चेंजर ईयरिंग्स है ये, जो पहनते ही आपकी जो पूरी लुक है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ईयरिंग्स लेकर के आई हूँ। और ये वीडियो मैं पहले ही शूट कर रही हूँ, बट ये वीडियो जाएगी मिंत्रा इंडो फ्रीजन सेल के टाइम पे। लाइक अभी से और 4 to 5 days बचे हुए हैं, मैं उस जब सेल स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पर ये वीडियो जाएगी। क्योंकि मैंने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन जो ज्वेलरीज के प्राइस है वो MRP बहुत ही ज़्यादा है, बट यदि आप उस टाइम परचेस करते हो तो आपको अप टू 80% तक ऑफ मिल जाएगी, जिससे आप अफोर्डेबली 600-700 रुपीस में इन सारे ज्वेलरीज को, इन सारे ईयरिंग्स को परचेस कर सकते हो। सारे जो ईयरिंग्स हैं वो मैंने खुद के लिए लिए हैं। मुझे अच्छे अच्छे ईयरिंग्स कलेक्ट करना, जो स्टेटमेंट पीस होते हैं, स्टेटमेंट ईयरिंग होते हैं, जो ईयरिंग्स पहन लो उसके बाद आपको कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, लाइक नेकलेस वगैरह, मांग टीका वगैरह, कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। इस तरह के ईयरिंग्स कलेक्ट करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ईयरिंग्स बहुत ही पसंद है। लाइक बचपन से मुझे ईयरिंग्स बहुत ही पसंद है, और मैं बहुत ही ज़्यादा ईयरिंग्स बाई किया करती थी। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि तुम इतने पैसे बर्बाद करती हो ईयरिंग्स में, इससे अच्छा तुम सोने के ईयरिंग्स ले लो। बट मुझे बचपन से ही ईयरिंग्स कलेक्ट करने का, अच्छे अच्छे ईयरिंग्स कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मुझे बड़े बड़े अच्छे अच्छे ईयरिंग्स पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मे बी आप में से कुछ लोगों की सोच भी वही होगी कि ये पैसे आर्टिफिशियल ईयरिंग्स में क्यों बर्बाद करने। पर आजकल का ज़माना ही फैशन का ज़माना है। आप शादी पार्टीज वगैरह में जाओगे तो आप भी देखते होगे कि बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत आपको ईयरिंग्स देखने को मिलते होंगे, जो आपको देखने में बहुत अच्छे लगते होंगे। तो उसी तरह के कुछ ईयरिंग्स मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। साथ ही मैं आपको अपने दो पर्सनल फेवरेट जो मैंने पहले ही लिए थे, लाइक अपनी मेरे घर पे जो वेडिंग थी उस टाइम पे लिए थे, वो ईयरिंग्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी आप चाहो तो परचेस कर सकती हो, क्योंकि कुछ वीडियो में जब भी मैं वेयर करती हूँ तो आप में से बहुत से लोग पूछा करते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स हैं। सो जो फर्स्ट ईयरिंग है वो तो मैंने पहना ही हुआ है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सी, काफ़ी बड़ी सी ईयरिंग है। एंड ये थोड़ी पिंकिस रेड कलर में है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पिंकिस रेड कलर में है। और मैं इसके सामने की वीडियो क्लिप भी ऐड कर दूंगी। सो ये बहुत ही लाइट वेट है, लगता ही नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है। तो अच्छे ज्वेलरी की जो थोड़ी प्राइजेस ज्वेलरी होती है, इनकी खासियत यही होती है कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। एंड इस तरह से इसमें बहुत अच्छे से गोल्डन काम की हुई है, साथ ही आप देख सकते हो छोटे छोटे मोती लगाए हुए हैं। तो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी ईयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो ये है ब्रांड AKS से मिनट, और इसकी प्राइस है 2000 रुपीज़ पर। आपको 70-80% इसमें ऑफ मिल जाएगी मिंत्रा इंडो फ्रीजन सेल में। ऐसे मैंने भी इसे लिया है 70% ऑफ में, तो मुझे भी कुछ 800 रुपीज़ के आसपास लगे हैं। और उस प्राइस में मुझे ईयरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज ये सारे डिज़ाइनर ईयरिंग्स है, डिज़ाइनर ज्वेलरी है। तो डिज़ाइनर ज्वेलरी को अच्छे खासे आपको प्राइस लग जाते हैं। आप चाहे इंस्टाग्राम स्टोर देख लो, चाहे मॉल्स में जा करके देख लो, या फिर कोई बुटीक स्टोर में जा करके देख लो, बहुत ही ज़्यादा प्राइजी होते हैं। तो डिस्काउंट के टाइम पर ये ईयरिंग्स आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयरिंग। सेकेंड जो ईयरिंग है गाइज हमारे पास, वो है ब्रांड दीवा वॉल्क से। एंड दीवा वॉल्क मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाली ब्रांड है ईयरिंग्स के मामले में। आपने यदि मेरे प्रीवियस मिंत्रा ज्वेलरी हॉल देखे होंगे, मैंने आई थिंक 2 किए हुए हैं, तो सारे में ही आपको मुझे मेरे दीवा वॉल्क के ही ईयरिंग्स दिखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और ये गोल्डन कलर में है। एंड ये ऐसी ईयरिंग है ना जो आप मोस्ट ऑफ द आउटफिट के साथ पहन सकते हो, बिकॉज ये पूरी गोल्डन कलर में है। एंड ये है ब्रांड दीवा वॉल्क से, कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है। एंड इसकी प्राइस है 3099 रुपीज़ पर, ये भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी, तो 500 के आसपास में मिल जाएगी। तो ये मस्ट हैव ईयरिंग है गाइस, यदि आपको भी अच्छे बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनने अच्छे लगते हैं तो आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की बड़े से झुमकी है ये, और बहुत ही लाइट वेट है ये वाली ईयरिंग्स। इतनी बड़ी आपको दिख रही है पर बहुत ही लाइट वेट है। और इस तरह से आपको ना इस कान में लगाने के लिए इस तरह की चेन दी गई है, और लटकन दी गई है जो बैक के साइड में कुछ इस तरह की झुमकी लटकेगी। तो काफ़ी प्यारी सी इसके डिज़ाइन है, और इसके मेरे पास और भी एक डिज़ाइन है जो और भी ज़्यादा लॉन्ग है, और वो शायद मेरे घर पर है, वो यहाँ पर मेरे पास नहीं है, छूट गई थी घर पर। तो इस तरह की इसके डिज़ाइन है गाइस, काफ़ी लाइट वेट है। एंड ये कोपरिस ब्लैक कलर में है, पूरी गोल्डन
भी नहीं, कॉपरिस ब्लैक वाली गोल्डन में है और बहुत ही प्यारी लगती है पहनने पे। और इसमें बड़े बड़े झुमके हैं ना, तो आपके लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं फेस पे, खास करके बड़े फेस पे। लाइक यदि आपकी फेस मेरी तरह है तो इस तरह के फेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के ईयरिंग है गाइज, आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हो। दीवा वॉल के ईयरिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, ये कुछ इस तरह की हैं। और इस तरह से आपको बड़ी सी चेन मिलती है इस तरह से लटकी हुई, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है, खास करके यदि आप जूड़ा वगैरह कर रहे हो ना तो उसके साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है इस तरह की ईयरिंग्स। तो ये थी हमारी ईयरिंग्स जो आपको इंडो फ्रीजन सेल में 500 के आसपास में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो ईयरिंग है गाइज हमारे पास, वो है ब्रांड सिसोफ्रास से, और ये थोड़े लाइट वेट ईयरिंग है और जीन्स के साथ पहन सकते हो, वाइट कलर के टॉप के साथ या फिर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 1399 रुपीज़, बहुत ही ज़्यादा है इनो, पर ये आपको 70-80% ऑफ में मिल जाएगी। एंड ये भी बहुत ही लाइट वेट और क्वालिटी इसकी अमेजिंग है। सो गाइज़ ये कुछ इस तरह की दिखती है, आप देख सकते हो, मुझे बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन लगी इसकी, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगी है मुझे। तो इसमें आपको ऑफ वाइट कलर के कुछ इस तरह के मोती है या क्या है पता नहीं, पर बहुत ही लाइट वेट है, साथ ही गोल्डन कलर के इस तरह के लीफ पैटर्न में लगाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारी सी ईयरिंग है। एंड ये डेली आप यूज़ कर सकते हो, लाइक मार्केट वगैरह जाने के लिए या फिर कॉलेज वगैरह जाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, जीन्स वगैरह के साथ या फिर ड्रेसेस वगैरह के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी प्यारे प्यारे छोटे छोटे ईयरिंग्स लगे मुझे ये, तो ये भी मुझे बहुत ही पसंद है, इसे भी आप डिफरेंट ड्रेसेस के साथ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ईयरिंग है गाइज, वो मेरी बहुत 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 ही ज़्यादा फेवरेट वाली ईयरिंग है, पर इस कलर की अभी मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है। तो ये है ब्रांड अक्स से और इसकी प्राइस है 2399 रुपीज़, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइजी है, पर ये डिज़ाइन देखोगे ना तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि मुझे हो गया है। तो गाइज़ ये वाली भी आपको 70-80% ऑफ में मिल जाएगी, और इसे मैंने आई थिंक 1000 रुपीज़ के आसपास लिया है, 1000 या फिर 980 रुपीज़ में। सो गाइज़ ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह की ईयरिंग्स है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही बड़ी बड़ी ईयरिंग है। और अभी ना इस कलर का ट्रेंड चला हुआ है, इस कलर की साड़ीज़ आप बहुत देखोगे ऑरेंज कलर के साथ, रेड कलर के साथ, तो इस कलर का भी ट्रेंड चला हुआ है। और ये बहुत ही बड़े बड़े ईयरिंग्स है, लाइक पूरे हॉल में मेरी सबसे फेवरेट सबसे प्यारी ईयरिंग्स है, पर इस कलर के मेरे पास कुछ है नहीं आई थिंक, मतलब साड़ीज़ वगैरह के साथ ना ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ईयरिंग्स है, ये बहुत ही प्यारी सी है और नीचे में कुछ इस तरह से डिज़ाइन लटकी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एंड मेन बात की ये इतने हैवी मतलब इतने बड़े बड़े ईयरिंग्स होकर के भी ये बहुत ही लाइट वेट है। इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगी और ये स्काई कलर भी मिल जाएगी, रेड कलर भी मिल जाएगी, गोल्डन कलर भी मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छे इसकी कलर कॉम्बिनेशन है और पहनने पर तो बहुत ही अमेजिंग लगती है, लाइक पूरी आपके लुक को चेंज कर देती है। लेकिन मैंने आपको बोला ना, मैं आपको यहाँ मोस्ट ऑफ द ईयरिंग्स वैसे दिखाने वाली हूँ, पूरे आपके लुक को चेंज कर देने वाली है, लाइक बड़े बड़े हैवी बड़े बड़े हैवी लुक वाले ईयरिंग्स, बट एक्चुअली में हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है पर हैवी लुक वाले हैं। तो इस तरह की है गाइज ये वाले ईयरिंग, बहुत ही खूबसूरत है, तो आप इसे भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और सारे जो ईयरिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उनकी क्वालिटी अमेजिंग है, मतलब कोई भी मतलब सबकी क्वालिटी ऐसी है ना, सुपर लगने वाली क्वालिटी है। तो ये है हमारी अक्स ब्रांड की ईयरिंग्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट ईयरिंग गाइज हमारे पास है दीवा वॉल की, और ये भी एक झुमकी है, बट ये ना थोड़ी सी मुझे लाइक वेट वाली लगी, इसकी वेट बहुत ही ज़्यादा है, इसमें बड़े बड़े झुमके लगे हुए हैं, आप देख सकते हो इस तरह के बड़े बड़े ये झुमके हैं, पर ये जो झुमके हैं ना इनके वेट बहुत ही ज़्यादा है, तो ये पहनने पर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अदरवाइज जो चेन आती है ना उससे आपको इसे थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा, नहीं तो कानों पर आपके बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो ऐसे इसके डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सी बुटीक वाले डिज़ाइन है, बट ये थोड़ी हैवी है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप बाद में मुझे ना बोलो, बिकॉज इसके डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई थी इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी है। ऐसे जो चेन आती है ना, चेन के साथ यदि आप इसे इस तरह से उठा लोगे और ये लाइक जूड़े वगैरह कर रहे हो तो उसके साथ में काफ़ी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट जो हमारे ईयरिंग्स है गाइज, वो है ब्रांड सिसोफ्रास से, और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी ईयरिंग काफ़ी खूबसूरत है एंड बहुत ही लाइट वेट है, और ये ब्लैक कलर में है, तो इस तरह से ये ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर के गाउन वगैरह के साथ या फिर आप अच्छी सी टॉप पहन रहे हो पार्टी वगैरह में तो उसके साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगी, इवन ब्लैक कलर की साड़ी के साथ भी बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, बहुत ही लाइट वेट है, एंड ये है ब्रांड सिसोफ्रास से, इसकी प्राइस है 1200 रुपीज़, पर इसमें भी आपको 70-80% ऑफ मिल जाएगी। तो यदि आप इसे लेना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है ब्लैक कलर में। एंड मुझे ये ब्लैक कलर में इसलिए चाहिए थी क्योंकि मेरे पास ब्लैक ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और उनके साथ
मुझे पूरी ब्लैक ईयरिंग मिल नहीं रही थी अच्छी सी, तो इस तरह से मैंने ये ब्लैक वाली ईयरिंग ली है। ये बहुत ही लाइट वेट, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो चमक रही है ना, छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्टोन लगाए हुए हैं, तो ये आपको देखने में लग रही है कि सिंपल सी ईयरिंग है, पर सिंपल सी ईयरिंग नहीं है, बहुत ही महीन काम किया हुआ है इसमें, और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टोन लगाए हुए हैं जो बहुत ही लाइट, लाइक यदि आप नाइट के टाइम पर पहन रहे हो और लाइट आ रही है ना तो बहुत ही शाइन करते हैं। तो इस तरह की ये ईयरिंग है, इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल भी सिंपल सी ईयरिंग नहीं है, पूरी ब्लैक कलर की सिंपल, इसमें छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्टोन लगाए हुए हैं जो बहुत साइन रिफ्लेक्टिंग जो स्टोन होते हैं ना उस तरह के हैं। तो ये हो गई गाइस हमारी नेक्स्ट ईयरिंग भी है गाइस हमारे पास दीवा वॉल की, और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के, लाइक ये ना मतलब थोड़े अलग लुक के लिए यदि आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। और इसकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब उस तरह की नहीं है पर थोड़ी सी इसकी वेट ज़्यादा है, हल्की सी ज़्यादा है, पर इसे पहना जा सकता है। इस तरह की ईयरिंग है गाइस, इसमें भी आपको डार्क ग्रीन एंड पर्पल कलर के स्टोन मिल जाते हैं, और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, टाइप ऑफ लुक है इसकी, और आप देख सकते हो काफ़ी प्यारी सी डिज़ाइन है इसकी। इसे भी आप पहनोगे तो बहुत ही अच्छी सी लुक मिलने वाली है आपको, खास करके यदि आपके लहंगा ब्लू एंड खास करके आपके लहंगे यदि पर्पल एंड ग्रीन कलर के कोई ड्रेस या लहंगा या फिर साड़ी आप पहन रहे हो तो उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। नेक्स्ट जो हमारी ईयरिंग है गाइज, वो भी है ब्रांड सरफराज से, एंड ये भी थोड़ी लाइट वेट है, पर इसकी भी डिज़ाइन मुझे थोड़ी डिफरेंट टाइप की लगी और कुछ अलग लगी, मतलब कुछ अलग लगी इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। तो ये आप देख सकते हो पूरे गोल्डन कलर में है, छोटी सी ईयरिंग है प्यारी सी, और इस तरह से यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन है, आप देख सकते हो पतली सी चेन और नीचे में कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, जिसे आप अपने लाइक टॉप्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपने गाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन और बहुत ही लाइट वेट है, लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत से स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं, आप देख सकते हो इस तरह के स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं, और बहुत ही प्यारी सी सटल से डिज़ाइन है, मतलब यदि आपने पूरी हाई पोनी की हुई है या फिर हाई बन बनाई हुई है उसके साथ यदि आप ये वाले इयरिंग्स पहनोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, आप देख सकते हो। एंड ये भी है ब्रांड सरफराज से, इसकी प्राइस है 999 रुपीज़, पर ये भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी, तो 500 से भी कम में मिल जाएगी, एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। सो ये थे हमारे ईयरिंग्स, और मैंने एक लाइक नेक पीस लिया है, स्टेटमेंट पीस जो कि सिल्वर कलर में है, एंड ये है ब्रांड अक्स से, इसकी प्राइस है 1599 रुपीज़, पर ये आपको 700 के आसपास में मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह की सिल्वर कलर की मोटी सी चेन है, साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की डिज़ाइन है, पिकोक वाले डिज़ाइन बनी हुई है, और इस तरह से पूरे इसमें चेन वगैरह लटक रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगती है पहनने पे। सिंपल से यदि आपने सॉलिड कलर की कुर्ती या फिर टॉप पहनी हुई है तो उसमें आप डाल लोगे तो बहुत ही प्यारी लगती है इस तरह की चीज़ें। सो गाइज, कुछ इस तरह की है ये वाली सेट, इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली परचेस करो, तो मैं उनकी भी लिंक दे दूंगी। तो इसमें आपको बहुत डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपको पसंद आती है स्टेटमेंट पीस तो आप एक दो तो आपके पास होनी चाहिए, लाइक वन सिल्वर कलर में, वन गोल्डन कलर, एक क्रॉप टॉप, या फिर आप कुर्ती पहन रहे हो तो उसके साथ डालोगे तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी। एंड जो मेरी दो फेवरेट ईयरिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ में मुझसे क्वेश्चन आते हैं इन ईयरिंग्स के बारे में। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट ईयरिंग है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये कोई मालिनी बोरसा करके कोई ब्रांड है मिंत्रा पे, जो बहुत ही खूबसूरत बुटीक डिज़ाइन के जो ज्वेलरी होते हैं उनके। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, इसमें पूरे कुंदन लगे हुए हैं, काफ़ी साइनी वाले कुंदन है, बहुत ही खूबसूरत से हैं, इस तरह से झुमका पैटर्न में है, और नीचे पूरी इस तरह की मोती लटक रही है जो ना हाई लो पैटर्न में, लाइक यहाँ से लो होते होते यहाँ पर हाई लो पैटर्न में है, तो पहनने पर बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हो पूरे स्टेटमेंट पीस है ये वाली, इसके साथ आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे आप गाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, साड़ीज़ के साथ, लहंगे के साथ, सूट के साथ, सब के साथ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो इस साड़ी के साथ यही वाली ईयरिंग्स को पहना हुआ था उस टाइम पे जब मैंने इस साड़ी को पहना था ना, और ये साड़ी के बारे में आप पूछोगे तो ये साड़ी ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं है, ये साड़ी मैंने स्टोर से लिया हुआ है मेरे होम टाउन से, रांची से। और जो रांची के हैं, कोई रांची के हैं क्या मेरे सब्सक्राइबर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये साड़ी मैंने ली है पंचवटी प्लाजा की सांवरिया से, और ये साड़ी जब मैं देखने गई थी ना तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर मेरे साथ नहीं थी, तो मुझे हल्दी के लिए साड़ी लेनी थी जो येलो कलर में हो, मैंने उनको बोला येलो कलर की साड़ी दिखाइए, तो उन्होंने बहुत सारी साड़ी दिखा दी। तो मुझे ये वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ये सिफोन की साड़ी है, और मुझे हमेशा से ही ना हल्की साड़ियाँ, जो सिफोन की साड़ियाँ खास करके बहुत ही पसंद है। तो मेरे पास सिफोन साड़ी की कलेक्शन, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ नहीं है, लाइक मैंने अभी इसी जो शादी थी ना मेरे घर पर उस टाइम पर ही मैंने साड़ी लेना स्टार्ट किया है, अपने शादी के बाद मैंने 4 ईयर्स के बाद साड़ी लेना स्टार्ट किया है, और मैंने आई थिंक
फोर फाइव साड़ीज़ ही ली हैं, और साड़ी ही और मोस्ट ऑफ़ दी साड़ीज़ जो है मेरे वो सिफोन की हैं, वन नेट की है, वन नेट वाली तो आपने देखा ही है, और एक जॉर्जेट सिफोन में जो ब्लू कलर की, वो भी बहुत खूबसूरत है, तो मैं किसी वीडियो में वो भी आपको पहन के दिखाऊंगी। तो इस तरह की मेरी साड़ी जी, अच्छा मेरी साड़ी की कलेक्शन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी मेरी सबसे खूबसूरत साड़ी है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, उनकी कलेक्शन दिखाऊंगी। तो इस तरह की ये इयरिंग है गाइज, और इसे मैंने पहना था इसी साड़ी के साथ, पर इसे सूट वगैरह के साथ वाइट कलर के साथ भी पहना जा सकता है। इसमें ग्रीन कलर की भी डिटेलिंग है आप देख सकते हो, और इसमें पूरे छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इसके भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, यदि स्टॉक में हो तो आप ज़रूर परचेस कर सकते हो। ऐसे जब मैंने लिया तो उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, फिर स्टॉक में आई थी, तो अभी है या नहीं पता नहीं, पर मैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड जो नेक्स्ट मेरे पास है गाइस, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो पूरी लुक चेंजिंग है, तो वो आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह के इयररिंग्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे इस तरह के बड़े बड़े से इयरिंग है, और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट तो नहीं है पर अच्छे, मतलब बहुत ही हैवी भी नहीं है, बिकॉज़ ये वोयला के हैं। ये आप देख सकते हो, इनकी साइन आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी इनकी साइन है। एंड इसके साथ में आपको काफ़ी खूबसूरत सी हैवी लुक वाली इस तरह से मांग टीका भी मिलती है। तो इस तरह का ये सेट है गाइज, और ये वोयला की है, इसमें 70% ऑफ थी तब मैंने परचेस किया था दिसंबर के टाइम पर, और ये मुझे मिली थी 700 रुपीज़ में। तो 700 रुपीज़ में आई थिंक ये बहुत ही अच्छी डील है, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सी ये सेट है, और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे आप ब्लैक कलर के साथ, गोल्डन कलर के साथ, या फिर वाइट में यदि भी गोल्डन कलर का काम है उसके साथ, या फिर रेड कलर में गोल्डन कलर का काम है उसके साथ, सबके साथ ही यूज़ कर सकते हो वेडिंग्स वगैरह में। तो इस तरह की आपके पास एक ना हैवी इयररिंग्स एंड मांग टीके का सेट ज़रूर होना चाहिए, एक तो होना चाहिए। आप गले में इसका सेट नहीं है, बिकॉज ये खुद में इतना हैवी है, इसके साथ गले में पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह की सेट है, और इसकी भी लिंक मैं दे दूंगी। ऐसे इसे भी मैंने जब लिया था तो ये ओनली वन लेफ्ट थी, और मैंने इसे परचेस कर लिया था, तो इसकी भी लिंक मैं दे दूंगी, यदि अवेलेबल हो तो आप परचेस कर सकते हो। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ और ज्वेलरी के ऑप्शन भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं यदि आप चाहो, और जो डिस्काउंट में है तो यदि आप चाहो तो आप उसे उन्हें भी देख सकते हो, परचेस कर सकते हो। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको मेरी इयरिंग की कलेक्शन कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ये वीडियो आई नो बहुत ही अफोर्डेबल की रेंज में नहीं है, इसमें मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत इयरिंग्स दिखाए हैं, पर प्राइसिंग है थोड़े 600 700 800 के हैं, लेकिन बिलीव मी गाइस, मस्त मस्त पीसेस है। पहनोगे तो हर कोई आपसे ज़रूर पूछने वाला है कि आपने इयरिंग्स कहाँ से लिए हैं, इस तरह के मैंने आपको इयरिंग्स दिखाए हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएंगे, एंड बस इतना ही आज के वीडियो में, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।